नमस्कार दोस्तों। तो आप देख रहे हैं जो अभी मैं उतर रहा हूँ, ये सात लड़ाई का पुराना रोड है। जब नया रोड बन नहीं था तो गाड़ियाँ इस रोड से जाती थी। तो कहते हैं कि ये नाला है सात लड़ाई, तो ये पानी है इधर नीचे, और अब इस पानी के रास्ते रास्ते से हम सात लड़ाई पहुँचेंगे। शॉर्टकट भी है नहाने का, भी मज़ा है, आप आराम से नहा सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं आगे नहाऊंगा अभी, तो आप देख सकते हैं। जय भोलेनाथ, प्रभु जो तेरी माया अपरंपार है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ पानी है और तो दोस्तों इसको सात लड़ाई कहते हैं। तो यहाँ पर लोग नहाते भी हैं। एक पानी एक नदी का नाला इधर से आ रहा है, एक ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है। दो नाले क्रॉस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने पुल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सात लड़ाई है, जहाँ पर पानी बहता है और इस पानी से लोग नहाते हैं, देख सकते हैं आप। ये सामने पुल है और अब हम पानी का भी आनंद लेंगे। तो दोस्तों ये बाबाल सात लड़ाई का शॉर्टकट रास्ता है, सीधा मंदिर के पास निकलेंगे। तो थोड़ा मैं यहाँ पर फ्रेश भी होऊंगा थोड़ी देर में। और दो दिन देख सकते हैं आप, तो लोग पानी में जादू टूना ज़्यादा करते हैं क्योंकि यहाँ दो नाले क्रॉस हो रहे हैं। तो अब हमारा दोस्तों पानी में आप देख सकते हैं मेरे सामने दो तीन लड़के जा रहे हैं, मैंने नहाना भी है तो मैं आगे नहाऊंगा। जय भोलेनाथ, तेरी माया परम्पार, हर हर महादेव। तो दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा सबड़ाई हो रही है, तो पानी से क्रॉस करना पड़ेगा। हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो दोस्तों मैं अब थोड़ी देर में आगे फ्रेश होऊंगा। तो आप देख सकते हैं नाला है और नाले में अब हम क्रॉस कर रहे हैं। तो ये मार्ग है सात लड़ाई, ये बड़सर से पुल बना हुआ है। अब सात लड़ाई यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो आप देख सकते हैं अभी 3 बजे का टाइम हुआ है, तो मैं अब जाऊंगा। तो मैं यहाँ नहाऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ये वो रास्ता है जो सात लड़ाई को शॉर्टकट जाता था, कहते थे एक तरफ बस जाती थी, एक तरफ पानी था और इसी को ही सात लड़ाई कहा जाता है। तो आपको मैं बैक के दिखा देता हूँ फिर से।
देखो ऊपर से रास्ता है, ऊपर बाबा का वो बना हुआ है, और इधर ये आप देख सकते हो ऊपर घर हैं लोगों के, तो इधर शमशान वगैरह होंगे। तो दोस्तों कोई रास्ता बुरा नहीं होता, बस भोलेनाथ की कृपा है। तो आप देख सकते हैं मेरी थोड़ा फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, तो जब तक रिकॉर्डिंग होती है तब तक मैं दिखा देता हूँ आपको। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः शिवाय। दोस्तों जब आप शातलाई पहुंच जाते हो तो ना तो आपको पाँव में कोई कांटा चुभता है, ना ही कोई गिट्टी इसमें चुभती है, बाबा की इतनी कृपा होती है। और आपके सामने है, मैं नाले में चल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं बाबा बालकनाथ की कितनी कृपा है, भोलेनाथ की कितनी कृपा है कि आपको कुछ नहीं होगा। और मैं बता दूं कि मैं पीछे से 127 किलोमीटर रास्ता क्रॉस कर चुका हूं, वो भी नंगे पांव, और ये फर्स्ट टाइम है कि बाबा की कृपा हुई है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, और ऐसे ऐसे जंगल और ऐसे ऐसी जगह से गया हूं कि जहां आना और जाना बहुत मुश्किल होता है, मगर मुझे ना कुछ मिला और ना ही मुझे कुछ हुआ, ना कोई कांटा चुभा, ना मेरे पैरों में खून निकला, और ना ही मेरे पैरों में अभी छाले हैं। तो दोस्तों इन बातों से आप लगा सकते हो कि अब मैं पानी से निकला हूँ तो कि बाबा की कितनी कृपा है। तो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, नमः शिवाय। तो दोस्तों मैं नहाऊंगा अभी नीचे, अभी थोड़ा और चल लेता हूँ फिर नहाता हूँ, पानी साफ है, मैं थोड़ा आगे नहाता हूँ, थोड़ा मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। तो इसको शातलाई कहते हैं, कहते थे बाबा ने यहाँ चिमटा मारा था तो पानी तब आया था। तो आप देख सकते हैं ये बाबा बालकनाथ की कृपा है, और इसी को ही शातलाई कहते हैं, और ये मंदिर से होकर पानी जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये चीज़ें आपको कोई नहीं दिखाएगा। अभी सिगर दोपहर का टाइम है, तो आप देख सकते हैं वो भी नाले में हूँ जहाँ पर आगे शमशान भी होते हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं है, और सुनसान है, एक आधा कोई आ रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ग्राउंड है,
और पीछे आप देख सकते हैं मैं कहाँ से आया हूँ। तो दोस्तों अभी मैं वीडियो क्लोज़ कर रहा हूँ, आगे मैं वीडियो फिर बनाऊँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बाबे दी, जय हो।